कभी सोचा है कि एक पाइथन पॉर्क्यूपाइन को अगर अपना भोजन बनाए तो उसका क्या होगा, या फिर एनिमल किंगडम के ताकतवर शिकारी अगर इस छोटे से जानवर पर अपना जोर आजमाते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा? अगर आपने नहीं सोचा तो आज की शॉकिंग क्लिप्स देखने के बाद आप जरूर सोचने लगेंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इंसानों की दुनिया से परे जंगल की दुनिया काफी अलग है, जहां खुद के रुतबे और खौफ को बरकरार रखने के लिए हमेशा एक जंग लड़नी पड़ती है और उसमें जीतना भी पड़ता है। एनिमल किंगडम में ये जरूरी नहीं कि आपका आकार क्या है, लेकिन ये जरूरी है कि आपकी हंटिंग टैक्टिक्स कितनी लाजवाब है। कुदरत ने एनिमल किंगडम के हर जानवर को एक खास हथियार दिया हुआ है, और जब बात पॉर्क्यूपाइन जैसे जानवर की आती है तो मैं आपको बता दूं कि ये जीव एक छुपा रुस्तम है, जिसकी खासियत हमला करने वाले जानवर को ही पता चलती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इस खतरनाक शिकारी से मिलवाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हुई थी, जहां एक पाइथन ने पॉर्क्यूपाइन को अपना भोजन बनाया था। फोटो में दिख रहे पाइथन को देखकर ये बताना काफी मुश्किल था कि आखिर इस जीव ने क्या निकला है, क्योंकि एक पाइथन के पॉर्क्यूपाइन को अपना डिनर बनाते हुए शायद ही कभी देखा गया था। लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि इस जीव ने पॉर्क्यूपाइन को खाया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सांपों की कुछ ऐसी स्पीशीज दुनिया में मौजूद है जो इस जीव को खाती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस खूंखार शिकारी को निगलना कितना मुश्किल और खतरनाक होता होगा, क्योंकि इसके शरीर पर कांटों की तेज बिछी होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पॉर्क्यूपाइन और पाइथन की लड़ाई में हमेशा पाइथन की ही जीत होती है, कभी कभी ऐसी लड़ाई में जीत पॉर्क्यूपाइन की भी होती है। अब जरा इस वीडियो को ही देखिए, जहां पाइथन पॉर्क्यूपाइन को अपना निवाला बनाना चाह रहा है। जंगल के बीच का ये वीडियो एक पहाड़ी इलाके का है। इस क्लिप में अजगर पॉर्क्यूपाइन के पास पहुंचता है और उसे निवाला बनाने के लिए जकड़ने की कोशिश करता है। दोनों जानवरों के बीच जंग दिख रही है, एक अपनी जान बचा रहा है तो दूसरा उसे खाने की कोशिश कर रहा है। पॉर्क्यूपाइन अपने शरीर पर मौजूद लंबे लंबे कांटों से अपना बचाव करता है, और इन कांटों की वजह से आखिर में पाइथन को हार माननी ही पड़ती है। इससे पता चलता है कि पॉर्क्यूपाइन का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता। पॉर्क्यूपाइन, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि पॉर्क्यूपाइन बड़े रोडेंट्स होते हैं, जिनके शरीर पर पॉइंटी शार्प स्पाइक्स होते हैं, और इन्हीं स्पाइक्स की मदद से ये अपने प्रीडेटर्स पर भारी पड़ते हैं। धरती पर पॉर्क्यूपाइन की एक फैमिली यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। वहीं इस जीव की दूसरी फैमिली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले पॉर्क्यूपाइन की प्रजाति आकार में बड़ी होती है। ये जीव टेरेस्ट्रियल होते हैं और रात को शिकार करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका में पाए जाने वाले पॉर्क्यूपाइन आकार के मामले में दूसरी प्रजाति से छोटे होते हैं। ये जीव वुडेड एरियाज में रहना पसंद करते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और वहीं अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। ज्यादातर पॉर्क्यूपाइन हमें आकार में 25 से 36 इंच लंबे मिलते हैं। इनके पास 8 से 10 इंच लंबी पूंछ होती है और इसका वजन 5 से 16 केजी का होता है। दिखने में ये जीव बड़े और काफी स्लो होते हैं। खुद के बचाव के लिए ये अपने स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में पॉर्क्यूपाइन ब्राउन, ग्रे और सफेद कलर में पाए जाते हैं। दिखने में ये जीव काफी कुछ हेजोग की तरह लग सकते हैं, लेकिन इसके स्पाइक्स हेजोग से काफी लंबे होते हैं। दरअसल पॉर्क्यूपाइन का शरीर कांटेनुमा होता है। अगर इसका कोई शिकार करने की कोशिश करता है तो वो कांटे उसके शरीर में छोड़ देता है, जिससे शिकार करने वाला जीव तड़प तड़प कर मर जाता है। हालांकि ये अपने क्विल्स को अपने शिकारी पर खुद नहीं छोड़ सकते। जब तक प्रेडेटर्स इस जीव को हाथ नहीं लगाते, तब तक उन्हें ये क्विल्स नहीं लगती। ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि इस जीव की विजन काफी कमजोर होती है, लेकिन इनकी सेंस ऑफ स्मेल इन्हें अपने प्रीडेटर से बचाती है। अब सवाल ये आता है कि खतरनाक सा दिखने वाला ये जीव क्या इंसानों के लिए भी उतना ही बड़ी आफत है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जीव आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपने अगर उसे छुआ और उसे अगर खतरे का एहसास हुआ तो पॉर्क्यूपाइन एक साथ कई क्विल से आप पर हमला कर सकता है, जिससे बचना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इन जीवों के कांटों में जहर नहीं होता, लेकिन अगर एक बार ये आपके शरीर में घुस गए तो आपको असहनीय दर्द का एहसास हो सकता है। कई बार तो स्किन से खून भी निकल आता है। ऐसे में हमेशा इस रोडेंट से दूरी बनाकर ही रखने में भलाई है। कुछ लोग पॉर्क्यूपाइन को भोजन के रूप में भी खाना पसंद करते हैं। कई देशों में पॉर्क्यूपाइन की मीट एक प्रसिद्ध डेलिकेसी है। हालांकि देखने में आपको इसकी बनावट भयानक लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉर्क्यूपाइन असल में हर्बीवोरस होते हैं। ये जानवर हर्ब्स, लीव्स और ग्रीन प्लांट्स को भोजन के रूप में खाते हैं, और सर्दियों में इनकी उपलब्धता कम होने पर रूट्स और फलों को खाना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फूल पत्तियों को खाने वाला यह जानवर खूंखार कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पॉर्क्यूपाइन कभी भी दूसरे जीवों को परेशान नहीं करते, लेकिन छेड़े जाने पर अपने बचाव में कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जरा इस वीडियो को देखिए, जहां लेपर्ड पॉर्क्यूपाइन को अपना डिनर बनाने की फिराक में है।
लियोपोल्ड जैसे ही पॉर्क्यूपाइन पर झपटता है उससे पहले कि तेंदुए को ही काटा चुभ जाता है और उसे डराकर लड़ाई के मैदान से भागने पर मजबूर कर देता है। ये वीडियो इससे भी मजेदार है क्योंकि लियोपोल्ड्स को अक्सर बड़े बड़े जानवरों पर भारी पड़ते देखा गया है, लेकिन पॉर्क्यूपाइन से ये आसानी से हार मान जाता है। चलिए ऐसे ही कुछ और मजेदार वीडियोस आपको दिखाते हैं जहां ये छोटा सा जीव बाकी जीवों पर अपनी धौंस जमाता नजर आ रहा है। डॉग वर्सेस पॉर्क्यूपाइन। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए जहां डॉग्स अपने मालिक के साथ क्लिनिक आए हैं। दरअसल इन दोनों डॉग्स ने पॉर्क्यूपाइन से भिड़ने की कोशिश की जिसका नतीजा आप सभी के सामने है। पॉर्क्यूपाइन ने अपने कांटों से इन दोनों कुत्तों के मुंह पर हमला किया। संख्या में ज्यादा होने पर भी ये दोनों कुत्ते एक अकेले पॉर्क्यूपाइन से जीतने में नाकामयाब रहे। कुत्ते का मालिक अपने दोनों पेट्स को लेकर डॉक्टर के पास आया है क्योंकि इन स्पाइक्स को निकालना उसके बस की बात नहीं है और पेट्स को मेडिकल अटेंशन की सख्त जरूरत है। मालिक का कहना है कि जैसे ही उसने इन क्विल्स को निकालने की कोशिश की वैसे ही कुत्तों के मुंह में काफी दर्द हुआ। ऐसे में मालिक ने डॉक्टर्स की मदद लेना ज्यादा बेहतर समझा। लियोपोल्ड वर्सेस पॉर्क्यूपाइन। ऐसे ही एक और क्लिप हम आपको दिखाते हैं जहां लियोपोल्ड और पॉर्क्यूपाइन फिर से आमने सामने हैं। क्लिप में लियोपोल्ड पॉर्क्यूपाइन से भिड़ने के भरसक प्रयास कर रहा है। हालांकि छोटा सजीव आज लड़ाई के मूड में नहीं है लेकिन उकसाने पर ये भी जबरदस्त हमला कर सकता है और जैसे ही लियोपोल्ड ने पॉर्क्यूपाइन पर झपटने की पहली कोशिश की उसके हाथ और मुंह में कांटे चुभ गए। हालांकि लियोपोल्ड अभी भी इस जीव के पकड़ने की उम्मीद लगाए बैठा है और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन पॉर्क्यूपाइन के कांटों को डॉज करना काफी मुश्किल है। दोनों की यह खींचातानी काफी समय तक चलती रहती है लेकिन तेंदुए को पता है कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। तभी तो अंत में ये शिकारी एक झपट्टे में ही पॉर्क्यूपाइन को मुंह में दबा लेता है और उसे मरने तक नहीं छोड़ता। एक बार इस जीव के दम तोड़ देने पर लियोपोल्ड उसे अपने साथ ले जाता है और अपने लंच की तैयारियों में जुट जाता है। चलो शुक्र है इस जीव की मेहनत तो रंग लाई। हमने कहा था ना कि जरूरी नहीं कि सांप और पॉर्क्यूपाइन की लड़ाई में हमेशा जीत सांप ही हो। हमारी अगली वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है। ये वीडियो एक बोआ कंस्ट्रिक्टर की है जिसकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये जीव पॉर्क्यूपाइन को अपना लंच बनाने का मन बना लेता है और उसे इस गलती की बड़ी सजा मिलती है। जैसे ही ये जीव पॉर्क्यूपाइन पर हमला करता है वैसे ही इसे जवाबी कार्रवाई में ढेर सारे कांटों से ला दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि बोआ कंस्ट्रिक्टर के शरीर का कोई भी हिस्सा खाली नहीं बचा है। इन कांटों से होने वाले दर्द से ये सांप बुरी तरह परेशान है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आज इस सांप का दिन बेहद ही बुरा है जो इसने पॉर्क्यूपाइन को अपनी डाइट में शामिल किया। आमतौर पर बोआ कंस्ट्रिक्टर बैट्स माइस बर्ड्स और लिजर्ड को ही अपना भोजन बनाते हैं लेकिन आज इसका मूड कुछ चेंज हुआ होगा। तो दोस्तों ये थी पॉर्क्यूपाइन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जिसके बारे में आपने कम ही सुना होगा। इस जीव को देखकर कौन सोच सकता है कि ये कार्निवोरस ना होकर एक हर्बीवोरस है। शक्ल से खूंखार लगने वाले पॉर्क्यूपाइन ना चाहते हुए भी अपने फीचर्स के चलते खतरनाक शिकारी की लिस्ट में शामिल है। हालांकि ये जीव असल में शांत स्वभाव के हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी कभी छोटे आकार के ये जीव जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो दोस्तों आप में से किस किस ने पॉर्क्यूपाइन देखा है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।